हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे आज जमशेदपुर का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। एंड झारखंड में तो बहुत जगह सुनने में आया कि बर्फ़बारी भी हुई। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं एंड आपके वहाँ पर मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं हमेशा की तरह अपनी फेवरेट प्लेस में बैठी हूँ, मेरे गार्डन में। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर आप लोगों के साथ ना अपने दिल की बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि क्या पता मेरी स्टोरी से कुछ आपको बेनिफिट हो जाए। तो मैंने HSG के बारे में बहुत लोगों के मुँह से सुना था कि HSG करने के बाद हमारे पीरियड्स बंद हो गए, पीरियड्स आते नहीं हैं और हमको बहुत तरह की तकलीफ़ें भी उन्होंने बताई। तो जब मैंने HSG करवाया, मेरी लास्ट मंथ HSG हुई थी, जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो मेरे मन में भी इस तरह के डर थे क्योंकि देखिए, एक पढ़ाई करना अलग चीज़ होता है और एक प्रैक्टिकली खुद के ऊपर आजमाना अलग चीज़ होती है। तो मेरी जो लास्ट पीरियड्स की डेट थी वो थी 7 अप्रैल एंड मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो आपको आना है उसके नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा कि ठीक है। और मेरी पीरियड्स की जो साइकिल है गाइस वो 25 दिन की साइकिल है और बीच में तो ऐसा होने लगा था कि मुझे 20 दिन में पीरियड्स आने चालू हो गए थे। ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसके बाद। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मिसकैरेज होने के बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी को नॉर्मलाइज होने में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब मुझे HSG होने के बाद में मेरी जब पीरियड्स 25 दिन पे नहीं आए तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरी तो साइकिल 25 दिन 20 दिन की है, मुझे पीरियड्स नहीं आए, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। मेरे माइंड में ये चीज़ आ रहा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, है ना। तो मेरे मन में ये चीज़ आ रहा था कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं हो गई, बट मन में इतना डाउट भी हो रहा था कि इतनी जल्दी तो नहीं होता है। आई थिंक मुझे 3 महीने तो मतलब नॉर्मलाइज वेट करने में लगता है और बॉडी को भी तो हील होने में टाइम लगता है। बट फिर भी मेरे मन में था कि कहीं तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है मुझे कि 7-8 साल हो गए जो मेरी साइकिल 25 दिन की है। एंड एक चीज़ है कि मेरी साइकिल कभी मिस नहीं हुई, भले मुझे थोड़ी सी ही आए, एक दिन के लिए आए, लेकिन पीरियड आते हैं, कभी पीरियड बंद नहीं हुए मुझे। तो मेरे मन में ये भी था। तो जब मेरे 25 दिन पार हो गए, नहीं हुआ, तो मैंने कहा कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं, और मैं भगवान से, गॉड से प्रे करने लगी कि भगवान गुड न्यूज़ ही हो। बट एग्जैक्टली 7 तारीख को मुझे पीरियड्स आ गए और अच्छे फ्लो में आए, मतलब जो मेरी मैंने इमेज नहीं किया था कि मुझे ऐसे फ्लो में आएगा, तो ऐसे फ्लो में आए। और डॉक्टर के अनुसार आज 8 तारीख है, मैं डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए गई एंड डॉक्टर ने मुझे कल तक का टाइम दिया है सोचने के लिए। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी HSG के हिसाब से आपका एक ट्यूब जो ब्लॉक है, और मेरे पास लास्ट मंथ का चांस था, इस मंथ मेरा जो ट्यूब ब्लॉक है वहीं से एग रिलीज़ होगा, तो ये मंथ मेरे पास में है ही नहीं, फिर मुझे नेक्स्ट मंथ का चांस मिलेगा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आचल जी लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए, लेप्रोस्कोपी आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या लेप्रोस्कोपी करवाना चाहिए या मुझे 3 महीने पूरे देखने चाहिए। वैसे मेरी पीरियड्स जो हैं आ गए हैं, तो इससे मैं थोड़ी खुश हूँ कि चलो मुझे पीरियड्स तो टाइम पर आ गए हैं। बट हाँ, रहा बात लेप्रोस्कोपी कराने का, तो ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। एंड मेरी मल्टीविटामिन्स की जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर्स चला रही है, और मुझे कुछ टेस्ट वापस से करवाने के लिए उन्होंने बोला है कि आप वापस से कुछ टेस्ट लिखें, करवाइए आप, जैसे कि विटामिन से रिलेटेड ही हैं। तो वो मैं कल या परसों जाके करवाऊंगी। एंड लेप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर जो बोल रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा, कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर बात आता है कि मैं ये सारी चीज़ आपको बता क्यों रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अगर HSG करवा चुकी होगी तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको HSG करवाने के बाद में क्या दिक्कत हुई, क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या आपने कंसीव किया। क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा बोलती हैं कि 25% चांसेस बढ़ जाते हैं HSG करवाने के बाद में, तो क्या आपने कंसीव किया या नहीं किया, या बेबी हुआ या नहीं हुआ, जो भी है, और या HSG कराने के बाद क्या आपके पीरियड्स नहीं आए, आपको पीरियड्स में दिक्कत हुई, ये चीज़ें मुझे जाननी है आपसे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि मैम HSG कराने के बाद हमारे पीरियड्स बंद हो गए, हमको पीरियड्स ही आना बंद हो चुका है। तो एक ये चीज़ भी है, तो यही मुझे आप लोगों से जानना है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पूरे 30 डेज में मेरे पीरियड्स आए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो प्रेगनेंसी नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बट मेरी शुरू से एक था कि हाँ मेरे पीरियड्स ठीक हो जाए, तो पीरियड्स मुझे ठीक हो रहे हैं। एंड रहा बात प्रेगनेंसी का, तो होप्स हो
की प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, ये मैं अपने कान्हा जी से बस उम्मीद कर सकती हूँ। एंड बहुत सारी महिलाएं मुझसे गायनोवेदा की डाइट्स पूछ रही थी, तो मैं आपसे मेरी डाइट शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली कि मैं क्या डाइट लेती हूँ, मैंने अपने वेट को कैसे मेंटेन रखा। वैसे मैं अभी बता दूँ कि मेरी 55 से 1 kg वेट मेरा बढ़ गया है, इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि शायद मैं अभी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, थोड़ी खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और जब आप खुश होकर कुछ भी खाते हो पीते हो तो वो आपकी बॉडी में लगता है, ऐसे बोलते हैं बड़े लोग, तो हो सकता है इसीलिए। एंड आजकल मैं अपने दूसरे काम भी कर रही हूँ, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम का बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है, और हाँ मेरा एक चैनल है आंचल ऑफिशियल 17, यहाँ पे मैं नाम दे दे रही हूँ, आप लोग जाइएगा उसको विजिट कीजिएगा, उस पर मैं अपने इंस्टाग्राम की जो रील्स वगैरह हैं वो अपलोड करती हूँ, आप लोग उसको भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल मेरा हेल्थ का है। तो गाइज़ मैं इसमें ब्लॉगिंग नहीं करना चाहती हूँ, रीज़न इज़ दैट कि पर्टिकुलरली ये इसी चीज़ के लिए बना हुआ चैनल है। अगर आपको मेरे ब्लॉग देखने हैं, ब्लॉगिंग्स देखने हैं, तो आप मेरे आंचल ऑफिशियल 17 पर जाइए, वहाँ पर आपको मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए, पर डे की मेरी दिनचर्या दिखेगी, और इस चैनल पर मैं आपको हेल्थ टिप्स ही शेयर करूंगी। तो अब बात करते हैं डाइट की। तो गायनोवेदा डाइट हो, नामिया हो, या वॉट एवर कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, आपको डाइट तो एक प्रॉपरली डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको डाइट क्या लेनी है। अब बात करते हैं कि आपका वेट बढ़ा हुआ है या आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज़ है कि आपको कौन कौन सी अदर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको डायबिटिक है, आपको थायराइड है, या आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, आपको किस तरह की समस्या है, ये भी हमको जानना होगा, ताकि तभी हम प्रॉपरली आपको एक डाइट दे पाए। तो आज मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ मुझे कमेंट में दे दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ जिसमें कि आपको इंटरेस्ट ना हो, है ना, या आपके टॉपिक से रिलेट ना हो। मैं चाहती हूँ आपको आपके आंसर्स मिले मेरे वीडियो में, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, अगर आपको बेनिफिट, वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए गाइज आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर दीजिएगा, और डाइट में बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, एंड अगर हो सके तो शॉर्ट में भी मैं शेयर करना चालू कर दूंगी वापस से, क्योंकि बहुत दिन से मैं थोड़ी सी डल हो गई थी, मतलब इस कैरेज के बाद में ना गाइज मेरा दिमाग ना सीरियसली बता रही हूँ काम करना बंद कर दिया। एंड अब जानते हो ना समाज इसको हम बोलते हैं, ये तो आपको और जीने नहीं देता है, और क्या बोल सकते हैं, मतलब अब ये चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं है ना, हम कोशिश कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज कब लगता है पता है, कि जब एक औरत को बोलती है कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, अरे भगवान ना करे भैया ये दिक्कत किसी के साथ हो, है ना, हम तो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अब हो जाती है तो क्या कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो बस ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मोटिवेट रहिए, कभी ऐसा आपके बहुत ज़्यादा सोच लेने से कुछ नहीं हो जाने वाला है, वही होगा जो होना है, लेकिन हाँ अपनी कोशिश 200% रखिए, ताकि कभी आपको ये ना हो नहीं की कोशिश ही नहीं की, ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कोशिश 100% रखिए। और जब आप कोशिश पूरी करते हैं ना, तो कोशिश ही कामयाबी का रास्ता दिखाती है, कामयाबी आपको तभी मिलता है। अगर आप बोलते हो ना नहीं हो जाएगा, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बस ये बोलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी मसला हो, आपको मोटिवेट रहना है, सेल्फ मोटिवेट अपने आप को खुद करना है, ठीक है। तो बस यही था गाइस, अब मेरे को लैप्रोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने बोला, आप बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि कल या परसों में मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में दोबारा, और अब क्या डिसे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि एक ट्यूब खुली है, एक ट्यूब ब्लॉक है, अब एक ट्यूब में के लिए मुझे वेट करना चाहिए या मुझे सच में लैप्रोस्कोपी करवा लेना चाहिए, बट इस बात की गारंटी क्या है कि हो जाएगा, बस मैं इसी में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो इसलिए इस बार मैंने ये क्वेश्चन आप पर छोड़ा है कि मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे बताओगे, आप जो बताओगे मैं वही करने वाली हूँ, है ना। तो देखिए मौसम कितना अच्छा है ना, ये देखिए ऊपर में मेरे केले के कांदी भी हुए हैं और मैं आराम से हवा में बैठी हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।